आलू, तुम चाहो तो तुम्हें फायदा हो सकता है, बस तुम हमें बता दो कि तुम्हारा लीडर कौन है और कलीसिया का पैसा कहां जमा है। हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, बात बिल्कुल सीधी सी है, तुम सहयोग करो, हम तुम्हें जाने देंगे। इस नोटबुक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें कलीसिया के पैसे का सारा हिसाब किताब है, यानी तुम कलीसिया की एक लीडर हो। कलीसिया के पास कितना पैसा है और ये कहां रखा है? तुम्हारे उच्च अधिकारी कौन है? फौरन बताओ। हम परमेश्वर के आस्थावान ना कानून तोड़ते हैं ना अपराध करते हैं, फिर मुझसे अपराधी की तरह पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम परमेश्वर के सुसमाचारों का उपदेश देते हैं ताकि लोग सत्य को प्राप्त करें, पापों से छुटकारा पाएं और सुंदर गंतव्य के लिए परमेश्वर के सामने पेश हो सके। ये धर्म संबंधी कार्य हैं। हम आस्थावानों ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? संविधान में आस्था की आजादी का अधिकार है, तो आप संविधान का पालन क्यों नहीं करते? आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मेरे अगुआ कौन है और कलीसिया के पास कितना पैसा है, क्यों पूछना चाहते हैं? क्या ये कानूनी है? वाह, तुम हमें संविधान सिखा रही हो। संविधान तुम्हारे लिए लिखा गया था क्या? तुम्हें संविधान के बारे में बात करने का हक भी है? कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वेसर्वा है। कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिक है और परमेश्वर में आस्था रखने वालों के एकदम खिलाफ है। तुम्हारी आस्था कम्युनिस्ट पार्टी के कानूनों का उल्लंघन है और इस तरह तुम पार्टी के उसूलों के खिलाफ काम कर रही हो, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी इस पर कड़ी कार्यवाही करेगी। जब हम तुम जैसे लोगों को पकड़ लेंगे, तुम सबसे सख्ती से पूछताछ होगी। देखते हैं कब तक जवाब नहीं देते। पार्टी केंद्रीय समिति ने हमें यह विशेष अधिकार दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में तुम जैसे जो खास लोग हैं ना, उन्हें हम कड़ी सजा देंगे और हम तुम्हें मार भी सकते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी की नीति है। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति ही कानून है। संविधान का मतलब क्या है? यह तो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का मददगार औजार है। अब समझ में आया? संविधान ही देश का मौलिक कानून होता है। दुनिया भर के सरकारी अधिकारी संविधान के अनुसार ही शासन और प्रशासन चलाते हैं, लेकिन शायद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी संविधान को नहीं मानती बल्कि इसे रौंदती है। आपने अभी खुद ही कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का कानून संविधान से भी ऊपर है। आप लोगों के पास कितने तरह के कानून हैं? अगर चीन की कम्युनिस्ट सरकार के पास संविधान से अलग तरह के कानून हैं, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि साम्यवादी राज्य में सत्ता कानून से बड़ी होती है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बना संविधान चीनी नागरिकों के अनुपालन के इरादे से नहीं बना है। खुद सरकार भी संविधान द्वारा बाध्य नहीं है। तो ऐसे में संविधान का मतलब ही क्या है? इसका क्या फायदा? दशकों से चीन में रहने के बावजूद अभी तक तुम ये नहीं जान पाई, कम्युनिस्ट पार्टी एक नास्तिक पार्टी है, एक क्रांतिकारी पार्टी है। यह आस्थावानों के इतनी खिलाफ क्यों है? इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बाइबल और परमेश्वर के वचन की कट्टर विरोधी है। सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी इन सभी धर्मों का अस्तित्व खत्म कर देगी और फिर ये अपने स्थायी शासन को सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर मुक्त राज्य को कायम करेगी। धार्मिक आस्थाओं से निपटने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की यह सर्वोच्च नीति है। संविधान में लिखित धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ विदेशियों को दिखाने के लिए है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सियासी ताकत मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाना चाहती है। जब तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, धार्मिक आजादी का सपना भी मत देखना। अगर तुम लोगों ने परमेश्वर में आस्था की अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो फिर मौत तय समझो। अगर तुम लोग खुशकिस्मती से फायरिंग स्क्वाड के हाथों नहीं मरे, तो जेल में सड़कर मरोगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, या भी और कुछ समझाऊं? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वेसर्वा है।
तुम चीन में पैदा हुई हो तो तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी की बात सुननी होगी। अगर सुकून से जीना है तो पार्टी का कानून मानना होगा। तो तुम प्रभु में आस्था नहीं रख सकती। आस्था के लिए अगर विदेश भाग भी गई तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। कान खोलकर सुन लो, कम्युनिस्ट पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। अगर तुम कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करोगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा सिर कलम हो सकता है। तो मेरी सलाह है कि अकल से काम लो और हमारे साथ सहयोग करो, वरना तुम्हारी मौत तो तय है। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी क्यों लोगों की धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार कर रही है। सरकार ईसाइयों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करके उन्हें क्रांतिकारी साधनों से क्यों सता रही है, मृत्यु तक प्रताड़ित कर रही है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नहीं है। परमेश्वर के आस्थावान परमेश्वर का आदर करते हैं। उनकी नजर में सत्य और परमेश्वर के वचन का महत्व है। वे कानून का पालन करने वाले और सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी परमेश्वर के आस्थावानों को क्यों अपने रास्ते का कांटा और दुश्मन समझती है? क्यों हम लोग यहाँ साथ साथ नहीं रह सकते? क्या चीन की कम्युनिस्ट सरकार चाहती है कि लोग भ्रष्ट और बुरे मार्ग पर चलें? वो सही मार्ग पर जाने से क्यों रोकती है? यही कारण है कि चीन का समाज कहीं ज्यादा अंधकारमय और बुराई का शिकार हो रहा है। वजह ये तो नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी सच से नफरत और परमेश्वर से शत्रुता रखकर उनके अस्तित्व को नहीं मानती? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, किसी देश का उत्थान और पतन इस बात पर आधारित होता है कि क्या इसके शासक परमेश्वर की आराधना करते हैं और क्या वे अपने लोगों को परमेश्वर के निकट लाने और आराधना करने में उनकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को समृद्ध करवाएगा जो उसका अनुसरण करते और उसकी आराधना करते हैं, और उनका पतन और विनाश करेगा जो उसका विरोध करते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं। वचन दी में प्रकट होता है। हाँ लू, लगता है तुम वाकई कम्युनिस्ट पार्टी को समझती हो। मानता हूँ सत्ता संभालने के बाद से पार्टी ने बुरे काम बंद नहीं किए, इसने अब लोगों के प्रतिरोध को भड़का दिया है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की नजर में लोग क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी इसकी परवाह नहीं करती। मैं आज तुम्हें सच बताता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी परमेश्वर का विरोध करने वाली एक शैतानी और कुपंथी पार्टी है। कार्ल मार्क्स, व्लादिमिर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और माओ ज़ेडोंग शैतानी कुपंथ के नेता थे। वो परमेश्वर के कट्टर दुश्मन थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया था। इसलिए किसी के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करना या उससे नफरत करना बेकार है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास टैंक और मशीन गन है। हम कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वालों का सफाया कर देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिक है और तुम आस्थावान लोग आस्तिक हो। कम्युनिस्ट पार्टी और परमेश्वर के आस्थावान एक दूसरे के दुश्मन है। पता है, ये विचारधारा का एक बहुत ही भयानक संघर्ष है। समझ रही हो तुम? तुम ये भी समझ लो कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी आस्था से जुड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब कोई भी साम्यवाद के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। चीन के ज्यादातर लोग परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने लगे हैं। वो सभी भाग्य और कर्म को मानते हैं, इसलिए अब परमेश्वर में ज्यादा लोगों की आस्था होने लगी है। तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी तुम जैसे लोगों का दमन क्यों नहीं करेगी? अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। ये तो युद्ध और मानव जाति के नरसंहार की हद तक भी जा सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा कर सकती है, बताओ उसे कौन रोक सकता है? कम्युनिस्ट पार्टी में यकीनन ऐसा करने की काबिलियत है, लेकिन इसका बदला नहीं मिलेगा। रोम की सरकार ने प्रभु यीशु के कार्य का विरोध और निंदा की। उन्होंने ईसाइयों को बेरहमी से मार डाला, तो परमेश्वर ने महामारी भेजकर रोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। इसराइलियों ने प्रभु यीशु का विरोध और निंदा की और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। परमेश्वर ने 2000 साल के लिए इसराइल का अस्तित्व मिटा दिया। तब से लेकर आज तक क्या परमेश्वर का विरोध करने वालों को प्रभु ने नष्ट नहीं किया? लोग अक्सर कहते हैं कि प्रकृति के सामने मनुष्य की कोई औकात नहीं, यानी मनुष्य सृष्टिकर्ता के सामने तो और भी तुच्छ होगा। अच्छाई से अच्छाई और बुराई से बुराई पनपती है, ये सच है, इसे कोई नकार नहीं सकता। स्वर्ग के कानून की मौजूदगी परमेश्वर के प्रभुत्व का सबूत है। बेशक आप प्रभु को ना पहचाने, पर क्या कर्म को भी नहीं पहचानेंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको कैप्टन चेन,
हानलो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में आस्था रखने वालों को समझते नहीं। मेरे कुछ दोस्त भी प्रभु में आस्था रखते हैं। मैं जानता हूं प्रभु के आस्थावान अच्छे लोग होते हैं और बुरे काम नहीं करते। तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी तुम लोगों को क्यों पकड़ना चाहती है? इसलिए क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तुम लोग अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का प्रचार करके पूरे धार्मिक समुदाय को चौंकाते रहते हो। क्या ऐसा संभव है कि कम्युनिस्ट पार्टी तुम सबका उत्पीड़न और प्रतिबंधन ना करे? क्या तुम्हें पता है कि 28 मई शानदोंग चावे मामला क्या है? यह पूरी दुनिया के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का एक संदेश था कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को प्रतिबंधित करना चाहती थी। इसलिए केंद्र का एक नारा है, प्रतिबंध लगने तक सैनिकों को हटाया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया है कि वो सभी गुप्त कलीसियाओं को प्रतिबंधित और खत्म करेगा, विशेषकर तुम्हारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को। शैंडो चावे मामले के मुकदमे के बाद, हालांकि बहुत से लोगों ने शैंडो चावे मामले को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए हैं, उनका कहना था कि यह एक मनगढ़ंत मामला था और जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ने जानबूझकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करने के लिए गढ़ा था। फिर भी अदालत ने इस मामले की सार्वजनिक रूप से सुनवाई की। यहां तक कि मीडिया ने भी इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी। तुम लोग 28 मई के शैंडो चावे मामले पर चाहे जितना शक कर लो, ये सब बेकार की कोशिश है। कम्युनिस्ट पार्टी जो कुछ कहती और करती है उस पर भी तो बहुत से लोग यकीन करते होंगे। हालांकि झूठ और हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह प्रभावी जरूर है। मैं सही कह रहा हूं ना? कैप्टन मां, ये शैंडो चावे मामला कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकता है। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, सच देर सबेर सामने आ ही जाता है। जब सरकार धार्मिक आस्थाओं को, जातीय अल्पसंख्यकों को, विद्यार्थियों को कुचलती है, तो ये हमेशा पहले कुछ झूठे मामले गढ़ती है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनता की राय को आधार बनाती है। कौन नहीं जानता कि चीन की अदालतें और मीडिया पूरी तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है। यहां आजादी सिर्फ नाम की है। सरकार की अदालतें कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही को बरकरार रखने की मशीनरी है। मीडिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जैसे एक तोता है। जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, मीडिया भी वही कहता है, ताकि दुनिया को धोखा दिया जा सके। ये बात सब लोग जानते हैं। शानदो चावे के 28 मई के मामले के साथ कई शंकाएं जुड़ी हैं। जब अदालत शानदो चावे का मामला सुन रही थी, तो आरोपियों ने अदालत में कहा, चांग फेन और मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रवक्ता हैं। सरकार जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आस्थावानों पर कड़ी कार्यवाही करती है, वो चौविशन है, वो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से मेरा कभी संपर्क नहीं रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य नहीं थे। हैरानी की बात ये थी कि चीन के कम्युनिस्ट जज ने बचाव पक्ष के बयानों को नजरअंदाज किया और उसका मानना था कि सभी प्रतिवादी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोग थे। पर ऐसा हुआ क्यों? चीन के कम्युनिस्ट न्यायालय ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा और इस हत्या का दोष सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर लगाने के लिए कलीसिया को झूठे आरोप में फंसाया। सरकार ने इस मामले को प्रचारित करने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल किया। समझदार लोग समझ सकते हैं कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का बनाया एक और झूठा मामला था। सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया? अक्लमंद लोग समझ सकते हैं कि ऐसा परमेश्वर की कलीसिया के आस्थावानों को दबाने और सताने के लिए जानबूझकर किया गया था। अगर शाउंदे चावे का मामला झूठा भी है तो क्या फर्क पड़ता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को कुचलने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने प्रोपेगेंडा अभियान शुरू किया, लोगों की राय बदलने की कोशिश की और उसका नतीजा भी निकला। चीन की सरकार के पास बड़ी ताकत है, जैसे मीडिया, रेडियो स्टेशन और अखबार, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के हथियार हैं। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, पर तुम्हें इसे कहने की आजादी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक उसूल है, झूठ को 10,000 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। क्या तुम्हें यह बात मालूम नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लोगों पर राज करती है, वो भी झूठ और हिंसा के बल पर।
ये एक सियासी मजबूरी है। अध्यक्ष माओ ने कहा था यह कोई षड्यंत्र नहीं है, यह तो खुली साजिश है। झूठ और धोखा क्या है? अगर अंत भला तो सब भला। कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने का सिद्धांत और शैली यही है, समझी कि नहीं? क्या आपको लगता है कि आप लोग चीन के लोगों और पूरी दुनिया को अपने झूठ से भ्रमित कर सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसी कोशिशें थोड़ी बहुत देर तो चलती हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं चलती। देर सबेर सच सामने आ ही जाएगा। किसी झूठ को 10,000 बार दोहराने पर वो सच बन जाता है, मुझे इस पर यकीन नहीं। झूठ को 10,000 बार बोले जाने पर उसके सच होने का मुझे कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। झूठ आखिरकार उजागर होता है और खत्म हो जाता है। झूठ के पांव नहीं होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की हरकतें और काम बाइबल के वचनों के अनुसार ही हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठों का पिता है। सिर्फ शैतान ही झूठ बोलेगा और धोखा देगा। बकवास बंद, बोले ही जा रही है। कैप्टन मा, कैप्टन चेन, जब तक इसकी पिटाई नहीं होगी ये सवालों का जवाब नहीं देगी। तुम वक्त की हकीकत को नहीं जानती, सीधी तरह रास्ते पर नहीं आओगी। लटका दो इसे। आप बोलो, अच्छा लग रहा है ना? ये मत सोचना तुम ज्यादा देर ये सब झेल पाओगी, और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हमें केंद्रीय समिति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश मिला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया वाले तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाए। तुम जैसे लोगों को मारना भी कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें आराम से शमशान भेज देंगे और तुमसे पीछा छुड़ा लेंगे। हम तुम्हें ईंटों के भट्ठे में भी भेज सकते हैं। वहां ब्रिक मशीन तुम्हारी चटनी बना देगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आस्थावान बड़े सख्त जान है। चलो जरा इसे झुलाते हैं, इसे थोड़ा मजे करने दो। जवाब दोगी या नहीं, बोलो। बताओ MZ का मतलब क्या है? तुमने 1,00,000 युआन कहां छुपाए? फिर मारो। कैप्टन, ये काफी देर से लटकी हुई है, आप देख रहे हैं? इसे नीचे उतारो। तुम हमारे चंगुल में फंस गई हो, अब तुम्हारा परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। तो इस बारे में ध्यान से सोचो, अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगी। आप दोनों इस पर कड़ी नजर रखो, इसे खाने या सोने मत देना, समझ गए? ठीक है, देखते हैं इसकी सहन शक्ति। बदजात, चल चलो। मुझसे कोई चालाकी नहीं, समझी?
प्राचीनों के पूर्वज, प्रिय नेता, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे के सभी लोगों को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने के तरीके हैं। परमेश्वर के कार्य के सामने ऐसी अभेद्य बाधा क्यों डालना? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालों को क्यों आजमाना? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार और हित कहाँ है? निष्पक्षता कहाँ है? आराम कहाँ है? स्नेह कहाँ है? धोखेबाज योजनाओं का उपयोग करके परमेश्वर के लोगों को क्यों छलना? परमेश्वर के आगमन को दबाने के लिए बल का उपयोग क्यों? क्यों नहीं परमेश्वर को उस धरती पर स्वतंत्रता से घूमने दिया जाए जिसे उसने बनाया? क्यों परमेश्वर को तब तक परेशान किया जाए जब तक उसके पास आराम से सिर रखने के लिए जगह न रहे? वचन देह में प्रकट होता है से। प्रभु, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आपकी शत्रु है। ये आपका विरोध करने वाले राक्षसों का समूह है। मैं इन शैतानों के लिए बड़ी नफरत महसूस कर रही हूं। ये मुझे कितनी भी तकलीफें दें, मैं सच को चुनूंगी और आपके पक्ष में खड़ी रहूंगी।